शेरकोट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत एवं B-4-4-4 या इससे मिलते जुलते नामों से ब्रश बनाए जाने पर पाबंदी लगाए जाने के आदेश न्यायालय कमर्शियल मुरादाबाद द्वारा पारित किए गए हैं। आदेश के बाद भारत ब्रश के अधिवक्ता प्रवक्ता प्रभात गोयल ने इस प्रकार नकल करने वालों का माल पुलिस द्वारा जब्त कराकर जेल भिजवाने की बात कही है। पूरा मामला शेरकोट के रहने वाले भारत ब्रश के स्वामी महफूज अहमद का है, जिन्होंने नगर व अन्य जगह उनके रजिस्टर्ड ब्रांड भारत व इससे मिलते जुलते नामों से ब्रश बनाए जाने की शिकायत की थी। लगभग 3 साल पहले नगर में कई ब्रश कारखानों में छापा मारकर नकली ब्रश भी बरामद किए गए थे। उक्त वाद न्यायालय कमर्शियल कोर्ट मुरादाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसमें न्यायालय कमर्शियल कोर्ट ने भारत एवं B-4-4-4 के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एस भारत एवं जय भारत क्वालिटी 4-4-4 ब्रांड को भारत एवं B-4-4-4 से मिलते जुलते होने के कारण पूर्ण पाबंद करते हुए कहा कि इन नामों को प्रयोग पूर्ण अवैध माना जाएगा। भारत के अधिवक्ता प्रभात गोयल एडवोकेट ने यह भी बताया कि भारत एवं B-4-4-4 ब्रांड चून की ब्रश एवं पेंट रोलर की प्रत्येक श्रेणी में भारत सरकार के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। यदि किसी ने इस नाम से माल मार्केट में बेचने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर पुलिस द्वारा माल जब्त कराकर धारा 420 में जेल भिजवाया जाएगा। वही उक्त मामला महफूज अहमद के पक्ष में आने के बाद से अन्य नकली माल बना रहे लोगों में हड़कंप मच गया। महफूज अहमद भारत ब्रश इंटरनेशनल के MDM, हमने एक बार दायर करा था लगभग 4 साल पहले 30,000 कोर्ट दिल्ली में जी। उसका कल जजमेंट आया है जी। जजमेंट में हमें इसमें सफलता हासिल हुई है जी, जिससे कि हमारा डुप्लीकेसी बना रहे थे जय भारत और एस भारत करके जी, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है और भारत ब्रश इंटरनेशनल का राइट हमें मिल गया है। कौन से कोर्ट से आपको? मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद कमर्शियल कोर्ट से हमारा जजमेंट आया है इसमें जी। बाकी इसमें जो भी डुप्लीकेसी बनाने वाला पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो बख्शा नहीं जाएगा।